इस साला कप नाम दो, इस साला कप नाम दो, हर बार हम बोलते हैं इस साला कप नाम दो। पहले सबसे पहले आरसीबी फैन होना बहुत बड़ी बात है। ये साल जो 2022 आया था, इसमें ऐसा लग रहा था कि इस साल आरसीबी यहाँ से यहाँ पर है, और हुआ भी ऐसा ही। बट मिस्टेक्स फिर से वही कि हम हार गए फिर से। तो इसीलिए आज हम सीज़न प्रीव्यू करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स रह गई आरसीबी के कैप में कि वो इस साल कप ना ला सके। तो पहली फर्स्ट स्टेप, हम कैप्टेंसी के बारे में कुछ प्रीव्यू करेंगे। पहले कैप्टेंसी देखिए, ये बोल रहे हैं कि कप्तानी अच्छी नहीं हुई है। मैं बोलता हूँ कप्तानी अच्छी हुई है। अगर आपकी टीम सेमीफाइनल तक पहुँच रही है तो इसका मतलब नो डाउट कप्तानी के बगैर वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। बट कप्तानी में सेमीफाइनल में जो हुआ, देखिए हसरंगा आपके टॉप विकेट टेकर हैं, उनको आप 95 रन के बाद नहीं ला सकते हो। आपका तो पहले सबसे पहले टारगेट था 157 के करीब। देखिए नो डाउट कप्तानी अच्छी थी, बट सेमीफाइनल में आपने मिस्टेक्स कर दी। देखिए मिस्टेक वो ये थी कि हसरंगा को आपने लाया 95 रन के बाद, जो कि आपके विकेट टेकर हैं हाईएस्ट आरसीबी टीम की इस 2022 में। मैं बोलता हूँ कि उनको अगर पहले लाते तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता, और मिसफील्ड वगैरह बहुत ज़्यादा हुई हैं। स्टेप नंबर टू, मिस्टेक्स इन सेमीफाइनल। देखिए मिस्टेक्स क्या क्या रही। पहली मिस्टेक ये कि आप फील्ड में मिस्टेक कर रहे हो, बार बार आप चौके दे रहे हो जहाँ पे कैचेस होने चाहिए थे, कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हो। और दूसरा आपकी, देखिए आप फिर से वही हसरंगा को लेट लाया आपने। अच्छा तीसरी बात ये कि पैनिक होना। देखिए पैनिक का मसला यह है, देखिए पैनिक होते हैं जब अब आपको 10 रन 20 रन कम रह गए, आप पहले से पैनिक थे कि जी ये मैच हम हार चुके हैं, बट आपको हौसला नहीं हारना था। तो ये हो गया था मिस्टेक्स का। अब है टॉप ऑर्डर। बार बार हम बोलते हैं कि जिस टीम का टॉप ऑर्डर आपको स्टार्ट में 60-70 रन दे दे, वो टीम कुछ ना कुछ करती है आगे। जब आपकी अगर टॉप ऑर्डर के विकेट्स 10 रन पे 4 हो जाएं, 10 रन पे 2 हो जाएं, 10 रन पे 3 हो जाएं, तो आप हर बार प्रेशर में आ जाते हैं। और आरसीबी के साथ अक्सर ये होता है, जब भी बड़ा मैच होगा इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप। टॉप ऑर्डर में इनके आते हैं विराट भाई, मैक्सी, क्योंकि बहुत ऊपर है टॉप ऑर्डर में। सैब आते हैं, विराट आते हैं, पंजर पाटीदार, उनने अच्छा खेला इस बार। अजय पाटीदार का सीज़न बहुत अच्छा हुआ इस बार, लेकिन वही टॉप ऑर्डर में आप बहुत ज़्यादा निर्भर हो, बहुत ज़्यादा, और वही आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप है हर बार। और नंबर फोर्थ बॉलिंग। हर बार आपकी टीम एक अच्छा स्कोर, देखिए 200 रन आप तेज़ करवा देते हो बॉलिंग की वजह से। आपकी बॉलिंग बहुत वीक है, चाहे वो सिराज हो या सिवाय हर्षल पटेल के, जो डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ज़्यादा रन्स नहीं देते, और हसरंगा भी ज़्यादा रन्स नहीं देते, लेकिन सिराज का सीज़न बहुत ख़राब रहा इस बार का। और वही कि आप बॉलिंग में बहुत ज़्यादा, बहुत बॉलिंग, जो जिस टीम की बॉलिंग अच्छी हो वही टीम जीतती है। सिंपल सा फंडा होता है क्रिकेट में। आपकी बॉलिंग वो नहीं है कि जो आपको 160-170 से बजा लेगी, डिफेंड कर लेगी, जैसे राजस्थान की है या गुजरात की है या एक्स वाई जेड। आपको बॉलिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। नंबर 5, नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए आपकी तैयारियां क्या होंगी। देखिए टॉप ऑर्डर रन बनाएगा तो आप आगे जाओगे। देखिए आपके पास जो पावर हिटर है, मैक्सी है, दिनेश है, वो आपका बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस साल भी बहुत अच्छा किया हमने, मैक्सी ने तो विकेट भी ला दी। टॉप ऑर्डर चला तो आप अगले साल कुछ करोगे, और बॉलिंग में काफ़ी सुधार होना चाहिए। बॉलिंग जो आपकी है वो 160-170 डिफेंड करने वाली बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, नेक्स्ट ईयर, देखिए विराट भाई का सीज़न अच्छा नहीं रहा, फैब का सीज़न अच्छा रहा, बट वो आप उस जैसा उनका होता है वैसा बिल्कुल तो नहीं रहा। इनका सीज़न अगर अच्छा जाएगा तो आप आगे बढ़ोगे। मैक्सी का सीज़न अगला अच्छा जाएगा तो आप कप ले सकते हो। तो ये सब मिला के अगर हो गया आरसीबी का काम नेक्स्ट ईयर, तो जीत गए भाई कप, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, और आपको बार बार बोलना पड़ता है सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब जरूर करता कोई नहीं है, बट फिर भी वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।